जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, और उसमें हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसके बाद उसके आप डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन वो डिस्कस किया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, फिर कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन क्यों कंसिडर किया गया था वो हमने डिस्कस किया था। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की थी कि जो एटम है वो थ्री बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है कि प्रोटॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया, इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया और न्यूट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लास्ट टाइम हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी डिस्कस की और जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं उसे वो किया गया था। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है नेक्स्ट वो है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मीन प्रोटॉन्स को किस तरह से डिस्कवर किया गया था और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने प्रोटॉन के बारे में बात की थी कि प्रोटॉन क्या होता है। एक्चुअली हम दोबारा से एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं उस चीज का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। होता यह है कि एक ये ले लें, अज्यूम कर लें ये एक सेंट्रल पॉइंट है एटम का, जो जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक सेंट्रल पॉइंट है एटम का। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज क्या पाया जाता है, पॉजिटिव होता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होने की वजह से इसलिए और प्रोटॉन को पॉजिटिव होने की वजह से इसलिए ज्यादातर न्यूक्लियस को पॉजिटिव के साइन से शो किया जाता है। तो ये अज्यूम कर ले न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। इसके बाहर ये ऑर्बिट है, मीन शेल है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर एक शेल है तो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होगा, अगर दूसरा शेल है तो इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, ये तीसरा शेल है तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम हमने डिटेल से डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव पाया जाता है। तो हम आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ कि प्रोटॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया था। लास्ट टाइम हमने प्रोटॉन का एक इंट्रोडक्शन लिया था, गोल्डस्टीन ने इन्हें क्या किया था, डिस्कवर किया गया था, हुआ क्या था अगर हम उसमें देखें। और ये एक थोड़ा सा एनिमेशन देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। ये पूरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये आपको उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। इनकी अगर हम मूवमेंट देखें तो इस तरह से वो न्यूक्लियस के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो ये पूरा रेड जो है न्यूक्लियस है और इनके अंदर मूवमेंट देखी जा सकती है। इनके जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किस तरह से पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो इसमें पहले भी हमने बात की थी कि प्रोटॉन के बारे में क्या बताया गया था, गोल्डस्टीन ने ये एक सजेशन दी थी। उसने ऑब्जर्व किया कि 1886 के अंदर के जो कैथोड रेज निकल रही होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, अदर देन कैथोड रेज और भी रेज पाई जाती हैं, और उन रेज को उसने क्या नाम दिया था उस वक्त, केनाल रेज का। उसके रीजन बढ़ते हैं क्यों उसमें, अगर हम देखें कि रेज की वो जो है, जो कैथोड रेज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो कैथोड से निकली थी और एनोड की तरफ जा रही थी, और ये जो रेज होती हैं ये क्या होती हैं, वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करती हैं। मीन कैथोड रेज क्या काम कर रही हैं, कैथोड से निकली एनोड की तरफ जा रही हैं, और वो जो रेज होती हैं वो क्या काम कर रही होती हैं, वहां से निकलती हैं और निकल कर वो क्या काम कर रही होती हैं, कैथोड की तरफ जा रही होती। अब आगे अगर हम देखें मीन इनकी अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पाई जाती है। मीन कैथोड रेज जो है वो कैथोड की से निकली एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है, और जो आप कैनाल रेस की अगर हम बात करते हैं वो कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगी, उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट होगी। फिर उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया कि डिस्चार्ज जो ट्यूब थी, डिस्चार्ज जो ट्यूब थी उस डिस्चार्ज ट्यूब को उसने प्रोफ्रेटेड, इसका मतलब क्या होता है, सुराखदार,
मीन उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड था वो प्रोफरेटेड यूज किया, मीन उसमें होल्स पाए जाते थे। उसने देखा कि ये जो रेज हैं उन होल्स में से निकलकर आगे की तरफ जा रही हैं और डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जब पड़ती हैं तो वो ग्लो मीन लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं। अब इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो रेज हैं होल से निकलकर, होल किसके अंदर पाए जाते हैं, कैथोड में, तो मीन कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं और इसलिए इन रेज को उसने क्या नाम दिया था, केनाल। जैसे केनाल निकल के जाती है किसी चीज में से, तो इसी तरह से ये रेज उस सुराखों में से निकल के जा रही थी, इसलिए उसने इन्हें केनाल रेज का नाम दिया था। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज की थी। अब आप देखते हैं तो ये उसका एनोड है, आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये उसका कैथोड है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन ये कैथोड क्या है, प्रोफरेटेड, मीन इसमें क्या पाए जाते हैं, स्मॉल होल्स पाए जाते हैं। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, मीन जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज कहते हैं, वो कैथोड से निकली हैं और कैथोड से निकल कर किसकी तरफ ट्रेवल कर रही है, एनोड की तरफ। जबकि दूसरी साइड हम ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें केनाल रेज का नाम दिया गया, ये ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करके इन होल्स में से पास थ्रू होकर आगे की तरफ मूव कर रही होती है, मीन कैथोड से निकल कर आगे की तरफ जाती है। ये काम इसको एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं उसने किस तरह से किया गया था। ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे देखा जा सकता है उसने क्या यूज किया है, एक प्रोफरेटेड कैथोड यूज किया। अब होगा क्या, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से केनाल रेज उसने मीन अमिट हुई और किस ट्रेवलमेंट उनकी जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये एनोड है, ये उसने बताया है ये क्या है, जी प्रोफरेटेड कैथोड है। यहाँ पे ये जो है, ये जो है रेडिएशन के फॉर्म में मीन यहाँ से निकली और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, वहां से ये निकलती हैं और ये देखे यहाँ से ये मूव करके आगे की तरफ ये ट्रेवल कर रही होती है, मीन ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। ये जो है छोटे जो थे वो कैथोड थे, कैथोड रेस थी, ये जो बड़े हैं ये क्या है, केनाल रेस, प्रेफरेटेड होल से गुजर कर ये आगे की तरफ मूव कर रही होती है। अब आगे आगे दोबारा इसको अगर हम देखें, दोबारा से यहाँ पे देखें, ये कैथोड रेज जा रही है एनोड की तरफ और ये बड़े वाले जो हैं ये क्या हैं, केनाल रेज हैं जो इन होल से पास थ्रू होकर आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं। तो ये उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कस किया था। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आए, इनकी प्रॉपर्टीज अगर कैथोड रेज की मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्रॉपर्टीज अगर आप लोग कर लेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टीज आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएंगे, मीन 50% काम आप लोग अगर ने उस टॉपिक को लर्न कर लिया तो ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा सा उसमें आप लोगों को आएगा, पता चल जाएगा क्या है। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो रेज हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं अपोजिट टू द कैथोड रेज, मीन कैथोड रेज का मैंने बताया एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही होती है और ये कैथोड से ट्रेवल, और देखा कैथोड के जो सुराख हैं उसमें से निकल कर आगे तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे आप लोगों को जो ग्रीन कलर में नजर आ रही है ये कैथोड रेज हैं, इनकी डायरेक्शन देखें वो इस एनोड की तरफ है, जबकि ये जो रेड कलर में पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ये क्या है केनाल रेज हैं, इनकी डायरेक्शन देखें उनके अपोजिट है और कैथोड की तरफ है और कैथोड से निकलकर वो आगे डिस्चार्ज ट्यूब के साथ यहाँ पे आके स्ट्राइक करते हैं और वहां पे ग्लो मीन फ्लोरेसेंस मीन लाइट या चमक प्रोड्यूस करते हैं। इसको अगर हम आगे ऑब्जर्व करें, जैसे यहाँ पे इन ग्रीन वालों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये मूव करते हुए नजर आ रहे हैं जी, किसकी तरफ जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो वो किसकी तरफ है जी, पॉजिटिव एनोड की तरफ है। और अब हम पॉजिटिव वालों की तरफ, पॉजिटिव वाले मीन केनाल रेस की तरफ देखें तो ये किसकी तरफ जा रही हैं, एनोड से निकलकर वो कैथोड की तरफ जा रही हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, उनकी अपोजिट है। मीन कहने का मतलब ये है कि अगर हम नेगेटिवली चार्ज की तरफ देखें वो एनोड की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव वाली की तरफ देखें वो कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। कहने का मतलब ये कि तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं और दूसरा क्या होता है, इनकी डायरेक्शन कैथोड रेस की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट पाई जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं तो जब इनको, जैसे हमने कैथोड रेज में देखा था इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया था, वो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो क्या हुई थी, ट्रेवल कर गई थी, तो जिससे उनको रिप्रेजेंट हुआ था कि वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। और इनको अगर हम क्या कर सकते हैं कि इनकेस इनके अगर हम देखें डिफ्लेक्शन, और ये क्या है कि अगर इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं, जिससे रिप्रेजेंट होता है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पहले भी बताया था अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
ये नेगेटिव की तरफ जाएंगी तो मीन इनके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको, ये एक हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। दोबारा से अगर हम देखें, ये कैथोड जो है, कैथोड्स है, ये प्रेफरेटेड है, ये इसमें होल पाया जाता है, यहाँ से निकल कर ये स्ट्रेट जा रही है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लोग देखें कि इसको मैंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे मैंने ये प्रोवाइड किया, हुआ क्या, इनको अगर हम ऑब्जर्व करें, जो पॉजिटिव रेज है, मीन कैनोल रेज है, वो उनकी डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाती है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। मीन इनकी अगर हम मूवमेंट दोबारा ऑब्जर्व करते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, मीन ये अगर नेगेटिव है तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे रिप्रेजेंट हुआ कि ये जो रेज हैं या कैनाल रेज हैं, इनके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि कैनाल रेज की जो नेचर है वो डिपेंड करती है कि आप लोगों ने कौन सी गैस यूज की है डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज में हमने कहा था कि वो इनडिपेंडेंट है टू द नेचर ऑफ द गैस, कोई भी गैस यूज कर लें उसमें सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस करती है। लेकिन इसमें क्या है कि उनकी जो नेचर है डिपेंड कर रही है गैस के ऊपर, जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो भरी जाती है या होगी उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। उसकी रीजन क्या है कि वो आगे हम अगले पॉइंट में जाके डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली उसकी रीजन ये है कि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। जैसे कैथोड रेज के बारे में बताया गया तो वो कैथोड से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन ये जो कैनाल रेज हैं तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन वो उससे ओरिजिनेट नहीं होती। एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया गया कि ये रेज जो हैं उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज जो हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी जाती है उसके मॉलिक्यूल के साथ वो जाके स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब उनके साथ टकराएंगे इलेक्ट्रॉन तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। और आपको पता है कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी उसमें प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ये जो आयंस, इसको इससे क्या होगा, आयंस बनते हैं, मीन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव आयन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऐड करेंगे तो नेगेटिव आयन बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन होना, इन आयंस की फॉर्मेशन करना। वैसे तो आयोनाइजेशन हमारे थर्ड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका क्या है। आयोनाइज होने का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड या एटम का आयंस में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल जहां पे देख लें, मेरे पास एक गैस है एम गैस, अज्यूम कर लें एम गैस है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं या कैथोड रेज हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में से निकली थी। और कैथोड रेज जो हैं इस एम मॉलिक्यूल, मीन मेरे पास एक गैस है एम गैस कंसीडर कर लें, उसके साथ आके स्ट्राइक हुए। जब उनके साथ जाके स्ट्राइक हुई उसमें से इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यहाँ पे देखा जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो गए, ज्यादा। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन प्रोटॉन, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को, तो वहां से वो प्रोटॉन निकले। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि ये रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, एनोड से नहीं प्रोड्यूस होती, बल्कि जब कैथोड रेज जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन गैस जो भरी जाती है, उनके मॉलिक्यूल के साथ आके स्ट्राइक करती हैं, उनकी आयोनाइजेशन कर देती हैं, मीन आयंस बना देती हैं, उसमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग-अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से वहां से प्रोटॉन निकलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये एनोड की तरफ जाएंगे, इनके ऊपर चार्ज एनोड पर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इनकी मूवमेंट वहां पे होती है। और इनका अगर जब मास फाइंड किया गया तो इसका जो मास है ऑलमोस्ट इक्वल पाया गया प्रोटॉन के, या सिंपल मल्टीपल था, मीन ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं राउंड अबाउट करके देखें तो इसका मास जो है प्रोटॉन के इक्वल पाया गया था। तो इसमें आगे जाके अगर हम देखते हैं कि इसका अगर हम मास देखें, आप ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे, जो प्रोटॉन का मास है वो 840 टाइम्स ज्यादा होता है देन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है जी। मीन उसका जो मास है वो क्या होता है, 1840 टाइम्स ज्यादा होगा प्रोटॉन का देन इलेक्ट्रॉन की। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक पॉइंट आया था, वहां पे डिस्कस भी किया था, जहां पे एलिमेंट्स का टॉपिक आया था, खैर आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे ये भी हुआ कि जो कैनोल रेज हैं
उनका भी मास इतना ज्यादा पाया गया था इलेक्ट्रॉन से, तो ये बताया गया कि ये एक्चुअली कैन नॉट रेज ही प्रोटॉन्स हैं, दीज आर द प्रोटॉन, जैसे कैथोड रेज के बारे में बताया कि वो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से कैन नॉट रेज क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम कंक्लूड करें तो ओवरऑल जो रिव्यू करें जो पढ़ा, तो कहते हैं कि ये जो रेज हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, वो हमने डेफिनेटली प्रूव किया कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ टर्न हो रही है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब टर्न हो रही है तो अल्टीमेटली इन पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इनका जो चार्ज ऑफ मास है, जैसे वो जे जे थॉम्सन ने फाइंड किया था चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज, इसी तरह से मास ऑफ चार्ज जो है वो डिपेंड कर रहा है कि डिस्चार्ज यू में कौन सी गैस है, कैथोड रेज का बीन डिपेंड करता है लेकिन कैनॉड रेज का प्रोटॉन का वो क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि हर एटम के जो प्रोटॉन है वो डिफरेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, तो इसी तरह से आगे हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो उसमें 8 प्रोटॉन आ जाते हैं, तो हर एलिमेंट के जैसे कार्बन के 6 आ जाते हैं, हर एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, तो इसलिए जो गैस यूज की गई डिस्चार्ज ट्यूब में उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है इनका मास भी और चार्ज भी। फिर उसके बाद ये प्रूव किया गया इस ओवरऑल कंक्लूजन से कि ये जो डिफरेंट गैसेस हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक हो गया, उसमें मैंने रीजन बता दिया क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या फर्दर टाइप्स होती हैं आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसलिए उनका मास भी क्या होगा और चार्ज उनके ऊपर क्या होता है, डिफरेंट पाया जाता है। चार्ज मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज वही होगी जो क्या है जी, पॉजिटिव, और हम चार्जेस की बात करें वैल्यूज की। फिर इसके बाद जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो एक गैस से, मीन एक जो जैसे हाइड्रोजन की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो उसमें सेम टाइप होंगे, और अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम के जो प्रोटॉन्स हैं सारे वो भी सारे सेम टाइप के, जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो दोनों की नेचर एक जैसी होगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 होते हैं तो 8 की 8 नेचर एक जैसी होगी, लेकिन कार्बन के प्रोटॉन और ऑक्सीजन के प्रोटॉन के नेचर वो जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ये भी कार है जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं एक स्पेसिफिकली गैस से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम टाइप के होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव रेट प्रोड्यूस करी है लाइटेस्ट गैस विच इज द हाइड्रोजन, उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होता है। तो ये था उसका प्रोटॉन उसकी डिस्कवरी, फिर उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, फिर उसको हमने कंक्लूड किया, फिर एक साथ एक छोटा सा और टॉपिक है वो है जी न्यूट्रॉन। ठीक है जी, उसकी तरफ आगे जाते हैं। हमें पता है कि मैंने अभी शुरू में बात की कि न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन जिस पर चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरा न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, उसकी तरफ आते हैं। अगर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देखें तो इसमें सबसे पहले ये देखा गया था कि जो एटम है, हमने पहले आपको बताया कि शुरू में बताया गया था एटम के 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी साइंटिस्ट यही समझते रहे कि जो एटम है इन्हीं एलिमेंट्स इन्हीं पार्ट्स सब एटॉमिक पार्टिकल कंसिस्ट होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं पाया जाता। लेकिन रदरफोर्ड ने एक प्रिडिक्शन दी थी कि जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर बेस नहीं कर रहा होता, उसकी बेस के ऊपर हम उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वैसे एटॉमिक मास की हमने फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होता है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल आर एटम आर एलिमेंट। ठीक है, लेकिन वो इससे पहले ये कहा जाता था कि जो एटम मास है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कंसिस्ट होता है, लेकिन वो कहता है कि उसकी बेस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कैसे भला, जैसे मैं आप बताता हूं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है जी, 1 है। ठीक है, अब उसमें देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, क्या मतलब हुआ, उसमें प्रोटॉन क्या होता है 1 और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास क्या आएगा, 1। लेकिन इस बेस के ऊपर देखा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बेस के ऊपर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन होता है, तो क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे तो 2 बनेंगे, तो इस तरह से एटॉमिक मास हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, 1 का। इसलिए उसने यही कहा कि एटॉमिक मास जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बेस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, तो इसलिए जरूरी है कि उसके अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास प्रोटॉन के इक्वल हो। इसलिए उसने 1920 में ये प्रिडिक्ट किया था ये कुछ पार्टिकल्स जो हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, नहीं पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन आ गए,
नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसलिए थर्ड पार्टिकल ऐसा होना चाहिए जो कि न्यूट्रल हो और उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, जो कि ऐसे होता है बाद में जब डिस्कवर किया गया था। तो इसके लिए चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ये क्या किए थे, न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे। क्या किया था, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। उसने क्या किया था, ब्रिलियम एक एलिमेंट लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने उसने देखा कि जब उसकी बम्बार्डमेंट की गई अल्फा पार्टिकल्स की ब्रिलियम के ऊपर, तो उसने देखा कि उसमें से रेडिएशन निकली और वो हाईली पेनिट्रेटिंग थी। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है, जो बॉडी के अंदर तक जा सकती हैं, जिसकी आर पार करने की सलाहियत ज्यादा होती है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया और उन रेडिएशन को उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया, न्यूट्रल से, क्योंकि उनका कोई चार्ज नहीं था, इसलिए उसे न्यूट्रॉन का नाम दिया। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक है, ये ब्रिलियम है, ठीक है जी। इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई थी हीलियम की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सॉरी अल्फा पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ हीलियम गैस, ठीक है। जब उसने इनकी बम्बार्डमेंट की तो ब्रिलियम टूटा, ठीक है। आप पता है कि ब्रिलियम यहाँ पे देखा जा सकता है एटॉमिक मास 9 है, ठीक हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर कितने है, 4 है, और हीलियम का देखा जाए एटॉमिक मास 4 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक हो गया, ज़हन में रखना, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मीनिंग इसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। तो जब इनको आपस में मिलाया गया तो इसे क्या बनना, कार्बन 12। आप पता है कि जो हीलियम के 2 जो एटॉमिक नंबर और बेरियम के एटॉमिक नंबर मिले 6, आप पता है कि 6 एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन आ गए, तो ये वो आ गया। और प्लस इसमें क्या है, कार्बन में आप लोगों को पता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है, इसलिए कार्बन का एटॉमिक मास क्या आ जाता है जी, 12। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कार्बन का एटॉमिक मास क्या आ गया, 12। ये कितने बनते हैं, 9 और 4 13 बनते हैं, तो 13 होना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि उससे वो क्या प्रोड्यूस हुए, एक न्यूट्रॉन सेपरेट हो गया। इन ये बम्बार्डमेंट के थ्रू था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था तो ब्रिलियम के ऊपर, जब इन शॉर्ट अनकंक्लूसिव ने इस चीज को कि जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, एक ये एलिमेंट बना और उसके साथ ये रेडिएशंस निकली थी, जिसे उसने यहाँ पे क्या नाम दिया, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। तो न्यूट्रॉन्स थे वो एक्चुअली जो रेडिएशंस की फॉर्म में प्रोड्यूस हुए थे। तो इस तरह से उसने न्यूट्रॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें न्यूट्रॉन्स की, सिंपल सी हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल, क्योंकि जब इनको डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से पास किया गया तो ये स्ट्रेट लाइन में गई थी, ना ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ टर्न हुई ना ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ टर्न हुई, तो इससे रिप्रेजेंट हुआ ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। और ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, मीन इनके अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और अबिलिटी होती है कि वो किसी थिक बॉडी में से भी क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। और जो मास जो है इनका, जब फाइंड किया गया एक्सपेरिमेंट से, वो क्या था, ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल था। ये वही चीज है जो रदरफोर्ड ने पीछे हमने देखा, उसने एक प्रिडिक्शन दी थी, उस प्रिडिक्शन के मुताबिक ही हैं ये सारी चीजें, न्यूट्रल है, ठीक है। और दूसरा उसने प्रिडिक्शन क्या थी, इसका जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो उसके मास के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मास भी क्या है, इक्वल ही था। तो ये था बेटे आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, दो चीजें डिस्कस की, उसमें से 3 आई।